बच्चों, आप सब को मैं आपकी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन, जिसे आप स्टोरी के नाम से जानते हैं, कहानी, उसकी पाठ संख्या 2, पृष्ठ संख्या 14, आपके पास पुस्तक है, आप ये अध्याय और पृष्ठ संख्या देख सकते हैं। शीर्षक गौरी, रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो हमारे क्लास 11वीं के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये अध्याय नया है, पर जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए पुनर्अभ्यास हेतु कहा जा सकता है। वो बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझे, किसी प्रकार की संदेह हो तो हमसे संपर्क करें। अब आते हैं कहानी की ओर, कि ये जो शीर्षक गौरी एक चरित्र प्रधान कहानी है, पूरी की पूरी इसी संज्ञा पर ये कहानी टिकी हुई है। अब इस कहानी के जो पात्र हैं, जिसमें राधा कृष्ण गौरी के पिता हैं, कुंती माँ, गौरी स्वयं गौरी, और सीताराम एक ऐसा देशभक्त सादगी पसंद व्यक्ति जो इस कहानी में भी एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अब आते हैं कहानी की ओर। राधा कृष्ण एक समझदार व्यक्ति हैं, पर उनकी चिंता का कारण रहता है उनकी इकलौती लड़की, और वो विवाह को लेकर चिंतित रहते कि मेरी लड़की तो सुंदर है, समझदार है, सुशील है, इसके लिए उपयुक्त वर मैं कैसे तलाशूंगा। इसी उम्मीद से हर दिन वो कोई ना कोई नया रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, पर उदास मन से वापस लौटते हैं। एक दिन फिर वो निकले अपनी लड़की के लिए वर देखने, देखकर लौटे, थके हारे थे। कुली सामान लेकर आता है, जैसे घर में प्रवेश करते हैं तो गौरी की माता कुंती अपने पति राधा कृष्ण के पास पहुंचती है। राधा कृष्ण से पूछती है क्या हुआ, पर उनके जुबा पर कोई शब्द नहीं रहता। तो कुंती समझ जाती है कि आज भी इन्हें उपयुक्त वर नहीं मिला। तो कहती है ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय की व्यवस्था करती हूँ। वो चाय बनाने चली जाती है। फिर दोनों पति पत्नी बातें करते हैं तो दरवाजे की ओर से गौरी सुन रही होती है कि आज भी पिता निराश ही लौटे हैं। तो अपने आप को कोसने लगती है और सोचती है कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मेरे लिए मेरे पिता माँ इतने चिंतित रहते, उदास रहते हैं। ज़मीन क्यों नहीं फट जाती, मैं उस ज़मीन में क्यों नहीं समा जाती। यदि ज़मीन फट जाए उसमें मैं समा जाऊँ तो मेरे माता पिता के सर पर जो बोझ है वो बोझ कम हो जाएगी। इस तरह से गौरी सोचने लगती है, पर सीताराम के उल्लेख इसमें अब होगा। राधा कृष्णन जी कहते हैं, मैंने तो एक वर देखा पर हमारी लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारी लड़की ठहरी 19 साल की और वो ठहरा 40-45 साल का। उसे हम लड़का भी कैसे कहें, वो तो आदमी है, शादीशुदा है, पत्नी नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं। पर मैं क्या करता, उन्हें रविवार को आने के लिए निमंत्रण दे बैठा हूँ। वो रविवार को हमारी लड़की गौरी को देखने आएंगे। रविवार को सीताराम अपने 2 बच्चे के साथ उपयुक्त समय पर चले आते हैं तो गौरी के घर पर किसी प्रकार की तामझाम नहीं की जाती है, रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया जाता है।
एक सामान्य सी भेंट मुलाकात जैसी रखी जाती है। दोनों बच्चे गौरी के घर आते ही गौरी के पास दौड़कर चले जाते हैं दोनों बच्चे गौरी को बहुत पसंद आए। उधर एक पारिवारिक बातचीत चल रही है। उसके पश्चात महाशय सीताराम जी, जो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति ठहरे, उनके पहनावा से भी गांधीवादी का झलक रहा था। तो सीताराम जी कहने लगे, अब संध्या होने को है, मुझे प्रस्थान करना है, मुझे जाना है। तो वो विदा लेकर अपने बच्चों के साथ चले गए। कुछ समय के बाद जब गौरी के घर से कोई खबर नहीं आया, तो उन्होंने पत्र भेजा कि क्या बात है, आप सब कोई खबर नहीं दे रहे हैं। तो इसी दौरान राधा कृष्ण को अपनी लड़की के लिए उपयुक्त वर मिल जाता है, नौकरी वाला, इसलिए वो खबर नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने एक बहाना किया कि आपकी जन्म पत्रिका भेजिए, क्योंकि हमें अपनी लड़की की जन्म पत्रिका आपके जन्म पत्रिका से मिलाना है। सीताराम जी समझ जाते हैं कि ये तो एक बहाना कर रहे हैं, वो शादी तो करना ही नहीं चाहते। पर सीताराम जी सच्चे देशभक्त, सादगी पसंद व्यक्ति, वो अपने देश के प्रति मर मिटने वालों में से थे। तो अंग्रेज़ों का उसी समय जुल्म बढ़ता जा रहा था, तो इनसे रहा नहीं गया, उनका इन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। तो इन्हें अंग्रेज़ सिपाहियों ने पकड़कर जेल में कैद कर दिया। तो ये सब खबरें अखबारों में छपने लगी और इसी से गौरी को भी पता चल गया कि सीताराम जी को जेल में डाल दिया गया है। अब गौरी चिंता में पड़ गई, मन ही मन वो तो सीताराम जी को चाहने लगी थी, उनकी सादगी को पसंद कर बैठी थी। तो सोचती है कि वो तो जेल चले गए हैं, तो उन दोनों बच्चों का क्या हाल हुआ हो रहा होगा। बस अपनी माँ से कहती, माँ मुझे जाना है सीताराम जी के घर, वो दो बच्चे अकेले होंगे। बस सीताराम जी के घर चली जाती है। सीताराम जी जेल में चिंतित है, परेशान है कि मेरे दोनों बच्चों का क्या हो रहा होगा, कौन देख रहा होगा उनको। बस जैसे ही वो जेल से छूटते हैं, सुबह जल्दी घर की ओर बढ़ते हैं। जैसे आंगन में पहुंचते हैं, तो उन्होंने गौरी को अपने घर के आंगन में देख हैरान हो जाते हैं। गौरी भी उनके पैरों को नमन करके उनके पद धूलि को अपने मस्तक से लगा लेती है। इस तरह से ये गौरी कहानी गौरी पर केंद्रित होते हुए समाप्त होती है। धन्यवाद।